एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव गिवन फोर टर्म्स. व्हेनेवर फोर टर्म्स आर देयर यू विल मेक द पेयर ऑफ टू टू टर्म्स. नाउ लुक हियर, फ्रॉम दीज टू टर्म्स व्हाट इज कॉमन. बोलो राधिका क्या कॉमन है इसमें. What's left after taking x common? इसमें से x square में से x बाहर ले लिया, क्या बचेगा? क्या बचेगा बच्चे? x square means x दो बार है, एक x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? x. इसमें से x बाहर ले लिया, क्या बचेगा? इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से 8 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? इसमें से 8 कॉमन ले लिया. आर दीज ब्रैकेट सेम? इफ दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम देन ओनली यू कैन से दैट वी हैव डन द क्वेश्चन इन अ करेक्ट मैनर. इफ द ब्रैकेट्स आर नॉट सेम दैट मींस सम मिस्टेक इज देयर इन टेकिंग कॉमन. ठीक है. नाउ दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म. ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये बाहर ले लो पूरी टर्म कॉमन. अगर इस दो टर्म में से ये बाहर ले लिए, क्या बचेगा? प्लस ये कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स इंटू एक्स. एक एक्स बाहर ले लिया, वन एक्स विल लेफ्ट. सी वन मोर पार्ट. 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2. यस राघव, व्हाट इज कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स? थ्री एक्स. व्हाट्स लेफ्ट? हाँ जी, व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? इज देयर एनीथिंग कॉमन? 2 and 5 are prime numbers. इसमें y है, इसमें नहीं है. Nothing is common. So what you will write? 1. And this two terms you will write inside the bracket. Are these brackets same? तो मतलब we have taken common in a correct way. हाँ जी. अगर same नहीं आती तो common गलत है, दोबारा करो. ये common ले लिया. Sit down. ईशान बोलो what's left? ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? बोलो. 3x प्लस 1. वेरी गुड. इस पूरी टर्म में से ये कॉमन ले लिया 3x, ये कॉमन ले लिया 1. 3x प्लस 1. स्टार्ट थर्ड पार्ट. ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई. ब्रैकेट मींस, चलो करो स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट. शाबाश, चलो थर्ड पार्ट करो. सिट डाउन. इस टर्म में से ये बाहर ले लिया, क्या बचेगा? 3x. प्लस की जगह प्लस, ये बाहर ले लिया, क्या बचेगा? उठाओ इसे, पकड़ो, लेके जाओ. हाँ चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो. डस्टर ले जाओ, एक डस्टर वहीं रख दो. चलो कर दो, अच्छे से क्लीन करो. हरी अप हरी अप. डू यू वर्क? माइनस कॉमन लो दोनों में से. माइनस वाई बाहर लिया है ना, इधर इधर करो. इसमें से इसको रखो. माइनस वाई बाहर ले लिया, माइनस भी वाई भी, क्या बच गया? ए. इसमें से माइनस और वाई बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? प्लस बी बचेगा. इसको बुलाओ, चलो इधर. हरी अप. डू योर वर्क. स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट.
No, if you have taken y common, you want plus, so you have to take minus common. So क्या बन जाएगा? Minus इधर से भी common, minus इधर से भी common, both will change to plus. Clean it. Start next part. Complete it. इसे complete कौन करेगा? Nothing is common. इसका मतलब ये wrong है. इसकी pairing इसके साथ करो इसकी. इसके साथ नहीं हो रहा ना? मतलब ये पेयरिंग रॉन्ग है. फर्स्ट की थर्ड के साथ कर दो, इसके साथ कर दो, या क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है, गलत है. मैं यहाँ पी है साथ में, यहाँ पी है लास्ट में. हाँ जी, कभी भी दो कांस्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन में. फर्स्ट की पेयरिंग थर्ड के साथ करो, इसके साथ करो, बिल्कुल हो सकती है. फर्स्ट की थर्ड के साथ हो सकती है. पहले फर्स्ट की सेकेंड के साथ करो, नहीं हो रहा लीव इट. First with third, if it is not also not possible, then first with fourth. Plus 25p. फिर first का second के साथ नहीं बन रहा ना, क्योंकि 15 कॉमन लेते हो तो पी क्यू बन रहा है, लेकिन इसके पास तो पी क्यू है ही नहीं. इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड के साथ करो, सेकंड का फोर्थ के साथ, या फर्स्ट का फोर्थ के साथ, बीच वालों का अलग. फर्स्ट का सेकंड के साथ नहीं हो रहा, फर्स्ट को थर्ड के साथ ग्रुप बना लो. हाँ जी, हाँ जी, लास्ट कम, शी विल कम. नेम जानवी, एक मिनट, इधर हो, ये देखो, अगर आप इनमें से 15 कॉमन लेते हो, ये बच गया पी क्यू प्लस वन, लेकिन यहाँ तो पी क्यू है ही नहीं, नहीं है ना पी क्यू. इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये नहीं लेना. क्या लेना है? फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को, इन दोनों में से कॉमन लो, लो कॉमन, टेक डस्ट. तो क्या हो गया, बन नहीं रहा तो आंसर क्यों नहीं लगाई? जाओ, जगह तब चेंज, जब साइन तब चेंज होते हैं जब इक्वल टू के उधर जाता है, यहाँ तो इक्वल टू है ही नहीं. बच्चे पी तो है, लेकिन उसके पास पी या क्यू नहीं है ना, क्यों इकट्ठा कहीं और नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं हुआ. हाँ, थ्री क्या आएगा इन दोनों में, क्या कॉमन आ रहा है? थ्री और क्यू लिखो ना, फिर क्या लिख रहे हो? नेक्स्ट एक्सरसाइज. वो तो क्या क्या बचेगा? कंप्लीट साइलेंस, नो डिस्कशन एट ऑल. आएगी क्यों नहीं आएगी? क्या कॉमन लिया है? थ्री क्यू लो ना कॉमन, क्यू भी तो है दोनों के पास, फिर आएगा. एक मिनट, साइड हो, ये देखो, इधर हो, ये देखो, ठीक तो किया है. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 15, P into Q, PQ. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 P 9 Q, सेम आ तो रहा है. अब इन दोनों की बारी है, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? हैं? प्लस का साइन डालो, प्लस के बिना तो गलत है. हाँ, 5 कॉमन. नेक्स्ट टू टर्म्स में 5 कॉमन आ रहा है. लिखो लिखो क्या आएगा. हाँ, वेरी गुड. हाँ जी, ये रॉन्ग लिखा है.
आप करो इसमें बताओ क्या मिस्टेक है, पहले ये वाला कंप्लीट करो। सेम आ तो रहा है, प्लस में ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात होती है। पी क्यू है कहाँ, मुझे तो ये दिखाओ आप। तो पी तो है इसमें, इसको आगे लिख दो, 5p प्लस 3 लिख दो, नहीं है 3 के साथ। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करो, एग्जांपल करो। ठीक है, ठीक लिखा है, आता है अब। सेम है ये, ये और ये सेम है, इसको सीधा करके लिख दो अगले स्टेप में। a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी लिखो, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, एक ही बात होती है ना। तो 5p प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 5p लिखो, एक ही बात है। टेक दिस ब्रैकेट कॉमन, आफ्टर टेकिंग दिस ब्रैकेट कॉमन व्हाट इज लेफ्ट, जाओ। दो मिनट पहले चुप करना है। राइट 5 सेम, दिस इज 5p प्लस 3, तो सीधा लिख दिया। इधर सुनो आप भी, इसको सीधा करके लिख दिया। नाउ दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इज कंप्लीटली सेम, टेक दिस 5p प्लस 3 आउट, 3q प्लस 5। नाउ लुक हियर, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, शी हैज रिटर्न जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये ठीक है, इसने इसका पेयर इसके साथ किया है, ब्रैकेट नहीं लगानी चाहिए थी, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम है। आप आगे पीछे कर लो टर्म्स, पर ब्रैकेट मत लगाओ, ब्रैकेट लगाने से रॉन्ग हो गया। कैसे, ये माइनस सेवन, ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन था क्या, तो ब्रैकेट नहीं आएगी, ब्रैकेट इसका मीनिंग चेंज कर रही है। आप लिख लो, आगे पीछे कर दो, जेड सेम, माइनस एक्स वाई जेड को आगे लिख दिया, माइनस सेवन को पीछे लिख दिया, सेवन एक्स वाई को पीछे लिख दिया, ब्रैकेट मत लगाओ। ब्रैकेट लगानी है तो साइन का ध्यान देना पड़ेगा, जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब कॉमन लेना है तो करेंगे, अभी उसने पहले लगा दी थी वो रॉन्ग था। अब इनमें से क्या कॉमन है, जेड, जेड बाहर ले लिया क्या बचेगा, वन। जेड कॉमन ले लिया क्या बचेगा, वन। इसमें से जेड कॉमन ले लिया क्या बचेगा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, सेवन। यहाँ माइनस चाहिए, मतलब यहाँ पे अंदर माइनस चाहिए, माइनस कॉमन। ये नेगेटिव था, पॉजिटिव वन बन गया, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया। जब आप माइनस कॉमन लेते हो साइन चेंज हो जाते हैं। सेवन नहीं कॉमन लिया, माइनस सेवन कॉमन लिया, ये पूरा बार ले लिया, क्या बचेगा, वन। यहां से माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, लिख सकते हैं ना, आपको पता है ना माइनस माइनस प्लस होते हैं, एक माइनस बाहर ले लिया, एक अंदर रख दिया, माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस। सेवन कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स वाई। नाउ दिस ब्रैकेट इज कंप्लीटली सेम, ये कॉमन ले लिया क्या बचेगा, जेड, ये जेड, माइनस की जगह माइनस, ये कॉमन ले लिया क्या बचेगा, सेवन। या बस ये ठीक है, ये ब्रैकेट की मिस्टेक थी, ब्रैकेट नहीं लगानी, आगे पीछे कर लो, ब्रैकेट मत लगाना, ब्रैकेट लगानी है तो साइन का ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको अभी नहीं पता तो मत लगाओ, आगे पीछे कर दो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो आगे पीछे करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आगे पीछे कर सकते हैं टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली, एक्चुअली दो मेथड हैं, एक है आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी कर लेते हैं, चलो। सेकंड एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू यूज आइडेंटिटी। अब आप मेरी बात सुनो, अभी तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज किया, अभी आपको इजी लग रहा होगा, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना सारे मेथड्स मिक्स होते जाएंगे, क्वेश्चन को देख के पता नहीं चलेगा क्या करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं बता रही हूँ आपको वो ध्यान से सुनो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं वो सिंपल थे, जहां दो टर्म्स दे रखी हैं वहां सिंपल कॉमन लेना है, जहां फोर टर्म्स दे रखी है वहां टू टू के पेयर बनाने हैं, जहां पे स्क्वायर दे रखी है पावर वहां पे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है।
अब इससे ज्यादातर तो आप लर्न कर सकते हो कि क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक मेथड से नहीं ज्यादा मेथड से भी होते हैं, तो वो प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी। अब सुनते जाओ पहले, अब यहां से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा डिफिकल्टी का। आइडेंटिटी स्टार्ट कर रहे हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसको नहीं समझ आएगा। स्टॉप राइटिंग। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो इधर, एक्चुअली ये ए और बी का होल स्क्वायर था। जब आप इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा विद टू, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर। अब क्वेश्चन पहले देखो तभी जाके साथ में आएगा आपको। ये इसके साथ सेम है, बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, ये टू ए बी इनका प्रोडक्ट है। इसी से पता चलेगा कि फॉर्मूला लग रहा है। फिर से देखो, ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर ए, ये क्वेश्चन है। मैंने उसको उसके नीचे लिख दिया मैच करने के लिए। ए स्क्वायर सेम है, ये बी स्क्वायर है, ये क्या है टू स्क्वायर, फोर क्या होता है टू ए बी, ये टू इंटू ए इंटू बी करोगे तो ये सेम आ जाएगा। अब देखो करा कैसे है, ये क्वेश्चन है। राइट साइड दे रखी है तो लेफ्ट बनानी है, लेफ्ट दे रखी है तो राइट बनानी है। समझ आ गई। हम कर क्या रहे हैं, फैक्टराइजेशन। हम क्या कर रहे हैं टॉपिक, इसका मीनिंग क्या होता है, फैक्टर बनाना। फैक्टर मतलब छोटी छोटी ब्रैकेट्स में पार्ट्स में ब्रेक करना। ये एक टर्म थी ना, इसकी पावर टू है तो इसके टू ब्रैकेट्स में आंसर आएगा। ये कितनी टर्म थी, फोर, तो टू ब्रैकेट में इसके आंसर आए थे, ठीक है। जब सिंगल दो टर्म होती है तो एक ब्रैकेट में आंसर आता है ना, तो यहाँ टू पावर है तो दो ब्रैकेट में इसका आंसर आएगा। अब देखो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, ये क्या है बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मल्टीप्लाई करके देखो सेम बन रहा है, टू का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, टू टू जा फोर ए, सेम आ रहा है। अब ये राइट साइड है, अब आंसर लिख दो लेफ्ट की साइड में, लेफ्ट की फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर, क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, दो डिफरेंट ब्रैकेट, इसको दो बार मैं लिखती हूँ ना, टू का स्क्वायर टू इंटू टू, ऐसे इसका स्क्वायर कहाँ, इधर। ये स्क्वायर का मतलब क्या है, राइट इन, अगली बार ये किया ना इधर उठा के ऊपर ही डाल देना। स्क्वायर का मीनिंग क्या है, राइट इट टू टाइम्स। स्क्वायर का मीनिंग क्या है, और देखो एक क्वेश्चन, बार बार फॉर्मूला नहीं देखना, फॉर्मूला लर्न करना है, बार बार फॉर्मूले को नहीं पढ़ते रहना बैठ के, आपने बोलना है फॉर्मूला। हाँ, दो ब्रैकेट में आंसर आ गया। अब देखो और, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, देखो इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी क्या है, करो मल्टीप्लाई चेक करो, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टू फोर जा फोर का स्क्वायर, फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूले में यही कहता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बनाओ, वो कहता है बनाओ, तो बना रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या है,
एक्स एक्स स्क्वायर नहीं, ये ए स्क्वायर है। मैंने पूछा ए क्या है, बी क्या है, का राइट इट टू टाइम्स। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला बोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला यहाँ लिखना था, जो नहीं लिखा यहाँ लिख दो। मैं आपको ये चाहती हूँ कि आपको लर्न हो जाए फॉर्मूला, और आप बार बार बोलो, आप बोलोगे आपको लर्न हो जाएगा। क्लियर है? बी वो के लिए जो स्क्वायर होता है उसको लेते हैं, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसका और इसका, वो टू ए बी होता है। जो सिंगल टर्म होती है वो स्क्वायर होती है। अब ये फोर का स्क्वायर करते हो 16 बनता है, एट किसी का स्क्वायर नहीं है, एट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप इसे बी नहीं ले सकते। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो बी होगा। ये स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये फोर का स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, तो वो टू ए बी होगा। क्लियर है? ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर फोर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, आप करो, लिखो 25m एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आरिश, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करो सॉल्व। आइडेंटिटी लिखो पूरी, ये वाली, ये आइडेंटिटी लिखनी है। Which part you are doing? First question, third part. First question, third part. Start करो, आप करो, फिर मैं सॉल्व करती हूँ, आप चेक करना, अपने आप करो विदाउट टेकिंग एनीबडीज हेल्प। अगर आप चाहते हो आपको आ जाए, इसलिए बच्चे लिखो 25 किसका स्क्वेयर है, 5 का, तो 5m का स्क्वेयर आएगा। इसको रखनी थी, टू ए बी है, 30, टू ए बी। हाँ जी, 25 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे ए था सिंगल और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स था, इसलिए स्क्वायर नहीं बनाना पड़ा था, यहाँ बनाना पड़ेगा। ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर, 25 और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। लिखो मत, सिर्फ सुनो पहले, ए स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। ए क्या है, बी क्या है, थ्री स्क्वायर नहीं, थ्री। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, टू फाइव जा 10, थ्री जा 30, 30m बन गया, यही बनाना था, बन गया। अगर ये बन गया तो समझ लो सब कुछ ठीक है, टू ए बी। हाँ, फॉर्मूले में टू ए बी है। हाँ जी, हाँ लिख सकते, इसको बाद पहले लिख दो, इसको बाद में, हाँ लिख सकते, इसको पहले, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसको नहीं, इसको फर्स्ट प्लेस पे। अब ये अभी रुको, हो तो जाने दो, ये खत्म हो गया, ये आंसर आ गया इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। प्रणव, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का, ए बोलो क्या है, ए प्लस बी, बी क्या है, का हो गया फिनिश, इसका हाफ नंबर घटेगा। चलो इसका फोर्थ पार्ट करो, सेम है, करो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट करो सारे।
फॉर्मूला किसने किसने नहीं लिखा, जिसने नहीं लिखा अपने आप लिख दो जरा। ये करो फोर्थ पार्ट करो। ये फॉर्मूला है ऊपर वाला है। आप कौन से क्वेश्चन कर रहे हो, किस क्वेश्चन का आप सेकंड का करो, ये तो आता भी नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लिखा है इसमें, यही नहीं पता हम लिख क्या रहे हैं। वो अलग क्वेश्चन है, पहले वो तो करो बुक वाला क्वेश्चन। नव्या डन, चल आ जा जल्दी आ जा, टेक डस्टर। फोर्थ पार्ट कर दे फटाफट। ये अकुल क्या कर रहे हो, आप तो एक्साइटेड ही हो गए। हाँ सुना मैंने आपने क्या बोला। आगे आपको नहीं आता वो वाला क्वेश्चन करो। Those who have done the fourth part, write the question that is written on the board. 4y² + 12y + 9। क्वेश्चन नहीं कर रहे, वही प्लस थोड़ी आएगा। Yes, everybody, check your answer of the fourth part. 7y + 6z, 7y + 6z. ईशान नहीं आया आंसर, क्यों z था तो सही इसके साथ। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस पार्ट? a² + b² + 2ab. That is equal to a plus b whole square. Write it 2 times. Have you done this also? Yes. Done? Yes. Tanmay. Abhishek, aajo. Leave the book. We don't need it. Do that question. ये दिस वन, इसके बाद आप करो फर्स्ट पार्ट, करो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, होल स्क्वायर डाल आप करो बच्चे, होल स्क्वायर लिखो, 2y का होल स्क्वायर। हाँ अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, करो 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 फर्स्ट पार्ट, सेकंड कर लो आता होगा, माइनस वाला है फॉर्मूला वो कराती हूँ इसके बाद। बेटा होल स्क्वायर लगाया करो ऐसे, चलो करो करो करो। a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर। फर्स्ट नेगेटिव आते हैं आपको, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट नेगेटिव है। हाँ जी चेक योर आंसर, 2y + 3, 2y + 3 आ रहे, एनी डाउट इन दिस पार्ट? सो टुडे आई विल सेंड यू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। नाउ सी वन मोर आइडेंटिटी, instead of
addition, if there is minus 2ab, then answer will be negative. Rest of the things are same. Rest of the things are same. Factors are same. Everything is same. But if we have minus 2ab sign, then the formula will become a minus b whole square. If you have 2ab negative, then the formula will change to a minus b whole square. Look at the question number one, second part. P square minus 10p plus 25. Is it correct? Statement correct hai? Chalo dekho idhar. Yahan negative dikhai de raha hai. P is a perfect square number. 25 is a perfect square number. This is your a square. Stop writing and listen to me. A square plus b square minus 2a into 2 5s are 10p. Same aa gaya. A square plus b square minus 2ab. Kiske equal hota hai? A minus b. A minus b whole square. And write it two times. Okay? Bas minus hai. Start fifth part of this question. Start fifth part. में क्या कह रही है? डाउट है? फिफ्थ पार्ट चलो चलो करो फिफ्थ पार्ट. दोबारा ये मत बोल देना आता नहीं. क्यों नहीं आता? कौन सा? अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूं, आप सेकंड में. आपको क्या हुआ है? अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बार बार सेकंड नोट करते जा रहे हो. आता ही नहीं, आता ही नहीं. अभी किया नहीं तो कहां से आएगा? फिफ्थ पार्ट करो, जल्दी लिखना है. बुक ले आओ. होमवर्क मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर वन, सेकंड, फिफ्थ पार्ट करो. सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, फोर्थ एंड सिक्स्थ पार्ट. अटेंडेंस 18, 22, 41, समीक्षा.